तो फिर हेलो इंटरनेट फ्रेंड्स, कैसे आप सब उम्मीद है ठीक होंगे। तो फिर आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो हमने नीचे पढ़ ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो फिर इस वीडियो का टॉपिक है बेंटन फैक्ट्स। तो फिर ये मेरे बेंटन फैक्ट्स की एकदम लेटेस्ट वीडियो है और अभी के तो मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो ही है। हाँ, जानता हूँ कि बेंटन फैक्ट्स की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन हाँ, फैक्ट्स करेक्ट करने में भी टाइम लगता है और फाइनली भी वो करेक्ट हो गए। और आप लोग भी अगर ज़्यादा टाइम तक फैक्ट्स बस मैं फैक्ट पर वीडियो बनाता हूँ तो फिर आप लोग भी सिर्फ फैक्ट्स सुन सुन कर बोर ही हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस बार फैक्ट्स बहुत टाइम के बाद बनाए हैं और अब आप लोग, मुझे पता है कि अब सब लोग फैक्ट्स की वीडियो को पसंद करेंगे। अगर मैं सब 4-5 दिन लगातार फैक्ट की वीडियो बनाता रहूँगा तब आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए लेट आई है वीडियो और ऊपर से अगर फैक्ट्स को जल्दी जल्दी तो इकट्ठा किया नहीं जा सकता, तो मैं अगर जल्दी जल्दी करूँ तो आप लोगों को उतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे नहीं। देर से पूरे टाइम इकट्ठा करूँ मैं फैक्ट्स, फिर आप लोगों को बताऊँ तो ज़्यादा अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं ला पाऊँगा। लेकिन अगर जल्दी जल्दी फैक्ट्स लाऊँ तो फिर वो उसे देख कर वो तो अच्छे नहीं हो पाएंगे और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई ये वीडियो, लेकिन अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ऑसम अमेजिंग और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब का बटन गुस्से में लाल दिख रहा है तो उसका गुस्सा ठंडा कर दो पानी डाल के। हाँ, पानी डालोगे तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसके गुस्से में पानी डालने का दूसरा तरीका है कि उसे प्रेस करो, फिर एक बटन, एक दो ऑप्शन आएंगे सब्सक्राइब का और एक आएगा कैंसिल का, तो सब्सक्राइब को बटन को दबा दो और फिर अब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहता है, इसके लिए वो आपको गिफ्ट में देगा बेल का आइकन। और किसी एक गिफ्ट को टुकड़ा उमर से ले लो तो फिर बेल का आइकन को भी दबा दो, वो तो फिर अपने बेल का आइकन का जो उसने गिफ्ट दिया सब्सक्राइब के बटन ने वो आप लोग एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि किसी के कोई गिफ्ट दे रहा हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बुरी बात है। सी कर लो और देखिए, इस गिफ्ट से आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले एकदम फ्री में देखने को मिलेगी। तो फिर देखिए, 9 सब्सक्राइबर हैं, 10 कंप्लीट करवा दो जल्दी से, 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। 9 हो गए हैं। हाँ, लेकिन अभी एक काम करता हूँ, अगर 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मैं एक चीज़ करूँगा, जो मुझे डायमंड हेड की वीडियो में 5 सब्सक्राइबर 5 लाइक पूरे करने पे और 10 लाइक पूरे करने पर, तो से ह्यूमंगस और की वीडियो पे पूरे 10 लाइक पूरे करने पर जो वीडियो लानी थी वो मैं 10 सब्सक्राइबर पे ला दूँगा। और देखिए, ह्यूमंगस और वैसे रैत की वीडियो में 5 लाइक हो चुके हैं। तो फिर इसलिए जो मुझे आपको रैत और ह्यूमंगस और की ओरिजिन स्टोरी बतानी थी उसका 50% हो गया, तो मैं 50% मैं आपको दूंगा, यानी कि रैत की ओरिजिन स्टोरी। और अगर ह्यूमंगस और की ओरिजिन स्टोरी चाहिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उसके उस वीडियो में 5 लाइक कर दो और 10 सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। 10 सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छी वीडियो आएगी, हर रोज़ बताता हूँ, जो कि उन दोनों वीडियो के टारगेट है पूरे कर दो तो आएगी। हाँ, तब भी आएगी, और अगर 10 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए तब भी आएगी ही। और वीडियो में वीडियो को बनाते बनाते मुझे एक चीज़ पता चली है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हाँ, तो फिर पहला फैक्ट है बैंड 23 का जो रैत होगा वो वाइट कलर का होगा, और हाँ, उसका रैत उसके कॉन्टेक्स्ट में रैत है, और उसका जो रैत होगा वो वाइट कलर का होगा, प्लस उसके जो
ब्लैक्स टाइप्स हैं, वो ब्लूस टाइप्स होंगे, और वो एक वाइट टाइगर होगा, रेड हमारा एक ऑरेंज टाइगर है। और अगला फैक्ट भी थोड़ा सा Ben 23 पर ये है, और Ben 23 के रेड पर ये, तो उसका फैक्ट ये है कि ये वो कपड़े पहनता होगा, यानी कि और ऑमनेटिक्स में Ben 23 के ऑमनेटिक्स में वो ग्लिच नहीं है कि रेड के कपड़े नहीं आते, वो कपड़े पहनता होगा, जो कि अभी आपकी स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, जो कि Ben 10 फैंडम की वेबसाइट में ये फोटो दिखाई गई थी मैं Ben 23 के रेड की। तो फिर ये देखिए आपके सामने है प्रूफ। तो फिर यहाँ पे इसके स्ट्राइप्स का कलर तो उतने अच्छे से नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ी सी फोटो में थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की थी, उसकी वजह से इसमें स्ट्राइप्स का कलर तो ब्लैक आ गया। लेकिन ये देखिए आपको जो फर्क दिख रहे हैं वो वाइट है, उसमें ज़्यादा फर्क, उसमें तो फर्क नहीं आया एडिटिंग से। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क, और देखिए ये इसके स्टाइप भी ब्लू होंगे, और देखिए कपड़े पहनता है, और ये Ben 10 फैंडम की वेबसाइट में बिल्कुल ऐसा ही फोटो है। चाहे तो आप Ben 23 रैट करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, फिर आपको ये मिल जाएगा। और ये वाला फैक्ट हमें से जो लोग Ben 10 की रिसर्च करते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग Ben 10 की रिसर्च नहीं करते हैं उनको नहीं पता होगा शायद, नहीं तो यूट्यूब देखते तो शायद से पता हो। तो फिर अगला जो फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको पता है कि Ben 10 Omniverse का जो इंट्रो था, हाँ उसमें पहले रैत, जहाँ पे रैत अपचक्का सीन होता था, वहाँ पे रैत को रिप्लेस कर दिया गया था बेन वुल्फर से, यानी कि ही बेन वुल्फर से। तो फिर अब तो आप समझ रहे होंगे ये वाली चीज़, लेकिन मुझे तो पुराना वाला इंट्रो ही पसंद था, क्योंकि बेन वुल्फर मतलब उस वाले स्टेज पर उतना अच्छा नहीं लगता था, वहाँ पे रैत ज़्यादा बेटर लगता था, क्योंकि रैत आपको तो पता ही है ना गुस्से वाला ज़्यादा है, लेकिन बेन वुल्फर उतना ज़्यादा गुस्से वाला नहीं है, तो लेकिन वहाँ और वो इतना ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ भी नहीं है, इसी वजह से वो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगता था, और रैत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो फिर अब तो आप समझ ही गए होंगे। और अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। क्या आप लोगों को पता है कि Ben 10 की जो क्लासिक सीरीज थी और Ben 10 की जो अल्टीमेट एलियन सीरीज थी, उसमें सेम नंबर ऑफ एपिसोड्स थे, यानी 52, और Ben 10 एलियन 4 सीरीज में सबसे कम एपिसोड्स थे Ben 10 की पूरी सीरीज के, और सबसे ज़्यादा एपिसोड थे रेबूट में 166, और वहीं पे ओमनिवर्स सीरीज में भी 80 एपिसोड थे, और एलियन 4 सीरीज में भी 42 के करीब एपिसोड्स थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ, क्लासिक सीरीज में 52 एपिसोड, एलियन 4 सीरीज में 42 एपिसोड, फिर वापस अल्टीमेट एलियन सीरीज में भी 52 एपिसोड, फिर ओमनिवर्स सीरीज में 80 एपिसोड, फिर रेबूट सीरीज 166, यानी कि सबसे ज़्यादा रेबूट में कुछ ज़्यादा ही एपिसोड बना दिए। और अभी जो अगला फैक्ट है वो रेबूट से रिलेटेड है। तो फिर ये फैक्ट ये है कि Ben 10 की एक नई मूवी आएगी, ये Ben 10 1010, हाँ नाम मैं बताता हूँ, उसमें Ben 10 1000 आएगा, लेकिन नाम का मैं बता दूँ तो फिर Ben 10 1010 से मतलब है Ben 10 और Ben 10 1000, यानी कि Ben 10 1010 अगर दोनों नंबर 10,000 और 10 को अगर हम एडिशन करें दोनों नंबर का, तो फिर वो वहाँ पे आता है 10,010। तो फिर दोनों को मिला के हुआ Ben 10 1010। तो फिर अब आप समझ गए होंगे। और क्या आपको पता है Ben 10 की क्लासिक सीरीज जैसी एक नई सीरीज भी आने वाली है। तो फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुझे कैसे पता चला। तो फिर देखिए सिंपल सी बात है,
किसी बेंटन फैन ने डंकन सर से पूछा है कि डंकन रूसो सर से जो कि बेंटन के को क्रिएटर रह चुके हैं बेंटन क्लासिक सीरीज के और मैन ऑफ एक्शन टीम का ये पार्ट है, तो फिर इनसे एक फैन ने पूछा कि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाले बेंटन का आर्ट स्टाइल और उसकी स्टोरी लाइन हमें बहुत पसंद थी, क्या आप उन जैसे पुराने करेक्टर्स को वापस लाएंगे, क्या उन सीरीज को वापस लाएंगे, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद, हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और आप उसे वापस आएंगे तो बेंटन के सारे फैंस बहुत खुश होंगे। तब उसके रिप्लाई में डंकन सर ने कहा कि नहीं, बेंटन के एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला आर्ट स्टाइल और वो वाली पूरी सीरीज हम वापस नहीं लाएंगे, हम नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि रेबूट में भी हम करना शुरू किया है, मतलब कर रहे हैं हम, वैसे हम नए सीरीज में कर रहे हैं जिसका प्रोडक्शन अभी हुआ है COVID-19 की वजह से, उन्होंने थोड़ा सा लॉस हुआ है उनको जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब वो एकदम अब वो जल्दी वो सीरीज आएगी रेबूट के ख़त्म होते ही, और उसमें उसे वो एलियन फोर अल्टीमेट एलियन सीरीज तो नहीं होगी लेकिन उसे देखने में हमें वैसे ही मज़ा आ सकता है। तो फिर यानी कि इसमें जैसे एलियन सॉरी रेबूट में हमें ओमनी किक्स दिखा और ओमनी एनएस दिखा, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमें दिख सकती हैं उन सीरीज में, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या फिर हो सकता है अल्टीमेट एलियन सीरीज तो ना हो लेकिन अल्टीमेट एलियंस हमें उसमें देखने को मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद अब अगले फैक्ट की तरफ चलूँ, तो भाई अगला फैक्ट है कि बेंटन का जो सेकेंड मोस्ट वर्लफुल एरियन है वो एटॉमिक्स, हाँ मेरे 70% लोगों को पता होगा, हाँ कमेंट में लिखेंगे बड़ा ही अच्छा फैक्ट बताया तुमने, हमें पहले से ही पता था। झूठी खबर, मुझे नहीं पता तो तुम कैसे कह सकते कि सबको पता होगा, मुझे तो लगता था कि वेबिक सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट पावरफुल, नहीं मुझे तो लगता है कि वेबिक सबसे ज़्यादा पावरफुल एरियन है, एरियन एक्स को तो वो एक हमले में ही हरा देगा, तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं पता है और मुझे लगता है कि एलियन एक्स सेकेंड मोस्ट पावरफुल एलियन है। मूछो वाले पिकाचू भैया, मैंने कितनी बार कहा है कि वीडियो के बीच में मत बोला करो, हाँ तो मैंने कहा था आप सबको नहीं, मैंने कहा था कि 70% लोगों को, और अगर आप सब भी कहते तो आप सब में आप नहीं आते क्योंकि आप तो कुछ अजीब ही है। हाँ तो भाई अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फैक्ट मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि 70% लोगों को तो ये चीज़ पता है और ये ऑफिशियली कन्फर्म भी है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो कि वेबिक को एटॉमिक से ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और वो और कई सारे लोगों को पता भी है कि ये ऑफिशियली बेंटन के क्रिएटर ने बताया है, लेकिन फिर भी नहीं मानते कि वेबिक उससे ज़्यादा पावरफुल एटॉमिक है। तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एटॉमिक जो है वह गैलेक्सीज को ख़त्म करने की पावर रखता है, लेकिन वेबिक ज़्यादा पावर लगा तो कंट्री को ही ख़त्म कर पाएगा, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो वह बता दीजिए गैलेक्सी ज़्यादा बढ़िया है कंट्री, एटॉमिक सब एक या दो पंचेज में ही वेबिक को हरा सकता है, उसके पंचेज इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो वेबिक को सब एक ही घूसे में हरा सकते हैं और वो इतना पावरफुल है कि वो बेंटन के ह्यूमंगस और रैथ फोरम जैसे कई सारे एलियंस को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और इतना ही नहीं, वेबिक से ज़्यादा एक दो और पावरफुल एलियंस हैं जो कि यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपको वो एलियंस कौन से हैं वो जानना है तो फिर मेरे टॉप टेन बेंटन एलियंस की वीडियो आप देख सकते हैं और वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसका लिंक सजेशन में दूंगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। और बता देता हूँ कि एलियंस दैट कैन डिफीट वेबिक को भी की भी मैं एक वीडियो ला दूंगा और आगे भी बताता हूँ कि अगला फैक्ट कहता है। अगला फैक्ट है कि जो बेंजालो है ने वो जब एलियन में बनता है तब वो ठीक से वॉक कर सकता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए आ जाता है,
तब वो ठीक से वॉक कर सकते हैं और कुछ और वो ठीक से चल सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब वो बंजारा फॉर्म में होता है यानी कि वैन फॉर्म में, तब वो ज़्यादा मतलब तब उसके लिए चलना मुश्किल होता है और वो थोड़ा सा अजीब तरीके से चलेगा, उसके पैर ठीक से नहीं आएंगे पड़ेंगे ज़मीन पे और वो ठीक से नहीं बोल पाएगा और अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है, वो एक टाइप का जॉम्बी टाइप है। और मूछ वाले पिकाचू भैया तो डर गए होंगे और भाग गए होंगे, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। और जॉम्बी के नाम से वो हमेशा भाग जाते हैं या फिर अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। हाँ तो फिर अभी बता देता हूँ कि तो फिर ये जो एरियन है, ये जो बैंड है वो उसका किसी भी एरिया में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके अंदर डीएनए आ जाएगा, उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल होगा वैसे ही उसका डीएनए चला जाएगा और वो वापस जोम्बी बन जाएगा यानी कि बैंजारो, और वो फिर से नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब और ऐसे फैक्ट्स के लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा, तो फिर जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को फिर लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड करते एक छोटे से इंट्रो के साथ, सॉरी आउटरो के साथ। आप मेरी लाइन क्यों ले लेते हैं मूछ वाले पिकाचू भैया? हाँ तो फिर मैं, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? डर के मारे, हाँ ज़ॉम्बी से मैं डरता हूँ और सब लोग डरते हैं, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। और ये चीज़ मैंने तुमको पहले बताई कि वीडियो में ज़ॉम्बीज वैम्पायर वगैरह मत लिया करो। और बता देता हूँ कि अब वैसे भी ये ज़्यादा पूछने की बात नहीं है, वैसे भी थोड़ी सी गर्मी आ रही है इसीलिए वैसे भी पसीना आ सकता है, लेकिन मुझे तो ज़ॉम्बी की वजह से आ रहे हैं। हाँ लेकिन, और मैंने तुम्हारी लाइन इसीलिए दी क्योंकि तुम मुझे तो लाइन देते नहीं हो वीडियो में इसीलिए। तो फिर अब मैं लाइन बोल ही देता हूँ, तो फिर वीडियो को ख़त्म करते एक छोटे से आउटरो के साथ। तो फिर आपने मेरे चैनल पे ये लेटेस्ट वीडियो है जो आप अभी देख रहे हैं, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस वीडियो को आप को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और मेरे चैनल सुपर हीरो एक्सप्रेस पे ऐसी और भी ज़्यादा अमेजिंग एंड ऑसम वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर मैं आपको मेरी वीडियो सबसे पहले एकदम फ्री में चाहिए तो उसका भी सलूशन है, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ फिर लाइक का बटन दबाओ, एकदम आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी और वीडियो अगली वीडियो जल्दी आएगी। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो अब याद आ गया, मुझे अपने नहीं भूलता मैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।